भारतीय संगीत के इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके पहले हमने दो सीरीज हल किए। आज हम वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि भारतीय संगीत के इतिहास का एक पार्ट है। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। इसमें 10 मंडल या अध्याय हैं। इसके 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं तथा प्रथम एवं दसम मंडल को इसमें बाद में जोड़ा गया है। इसमें कुल 1028 श्लोक तथा 10462 मंत्रों का वर्णन है। ऋग्वेद की शैली पदात्मक है। इसमें 33 देवों, दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र 3रे मंडल में वर्णित है जो कि सूर्य से संबंधित है, देवी गायत्री को समर्पित है। ऋग्वेद में विदुषी महिलाओं के नाम भी वर्णित है जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, गोसा, साची, पोलोमी एवं कासावृत्ति आदि। आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता महिलाओं को ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी कहा गया है। इसके पुरोहितों को औत्री कहा जाता है। इसमें उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का जो उपवेद माना गया है वह आयुर्वेद को माना गया है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना गया है। आयुर्वेद के रचनाकार प्रजापति है। आयुर्वेद के रचनाकार किसको माना गया है? प्रजापति को माना गया है। हम अब यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करते हैं। यजु शब्द से अभिप्राय है यज्ञ से। यजुर्वेद में यज्ञ की विभिन्न विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मंत्रों के साथ साथ इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है जिन्हें हम मंत्रोच्चारण के साथ किए जाने का विधान बताया गया है। इसकी शैली पदात्मक व गदात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की भी 4 शाखाएं हैं, तैतरीय, मैत्रायणी, कंठ और कपिस्टल शुक्ल। यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, मध्याय दीन और कण्व संहिता। यजुर्वेद में 40 अध्यायों में विभाजित है। यजुर्वेद 40 अध्यायों में विभाजित है। इसी में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ वाजपेय जैसे 2 राजकीय यज्ञों का उल्लेख मिलता है। इसका गायन करने वालों को पुरोहित या अर्धवायु कहते हैं। इसका गायन करने वाले पुरोहितों को अर्धवायु कहते हैं। इस ग्रंथ का उपवेद धनुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र थे। नेक्स्ट वेद है हमारा सामवेद। सामवेद संगीतमय वेद है। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई है। इसमें कुल 1549 श्लोक व 1810 मंत्र, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौतुम, राणायणीय और जैमिनीय। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौतुम, राणायणीय और जैमिनीय। सामवेद को विश्व की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव भी प्राप्त है।
यानी कि संगीत की सर्वप्रथम पुस्तक सामवेद को माना गया है। सामवेद को विश्व की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव भी प्राप्त है। इसके मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद को माना जाता है। गंधर्व वेद के रचनाकार नारद माने जाते हैं। नेक्स्ट, अथर्ववेद, इसमें उस काल की मूलभूत मान्यताओं और परंपराओं का उल्लेख है, उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में 20 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अथर्ववेद को 20 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसमें 731 श्लोक एवं 6000 के लगभग मंत्रों का वर्णन इसमें मिलता है अथर्ववेद में। इसके अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र जादू टोना से है। इसमें रोग निवारण की औषधियों की चर्चा भी की गई है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, सोनक और पिपलाद। अथर्ववेद की दो शाखाएं सोनक और पिपलाद। इसका उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद को माना जाता है। शिल्प वेद के रचनाकार विश्वकर्मा है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।